हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर बनाना चाहते हैं खुद का एक अपना यूट्यूब चैनल और घर बैठे ऑनलाइन यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं और बनना चाहते हैं एक अच्छे यूट्यूबर तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। सिंपली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिगनर लेवल के कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में जिसके कारण आपके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ नहीं हो पाती है और आपके वीडियो रैंक या फिर वायरल नहीं होती है। तो कौन सी वो मिस्टेक जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कास्ट सैनी स्वागत करता हूँ आपका असल एजुकेशन में। दोस्तों सबसे पहले अपने बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहिए। दोस्तों इन बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपने वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग लगाने चाहिए। दोस्तों आप अपनी वीडियो का टाइटल 100 लेटर तक लिख सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक हो आप अपनी वीडियो का टाइटल 100 लेटर तक ही रखें ताकि दोस्तों आपकी कोई ना कोई टैग रैंक हो सके। इसके साथ ही दोस्तों आप अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखिए। आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वीडियो से रिलेटेड बातें लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने वीडियो का टाइटल को भी अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दीजिए ताकि दोस्तों इससे आपकी वीडियो रैंक हो सके। इसके अंदर दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों आप अपने अदर वीडियो के लिंक भी डाल सकते हैं जिससे कि आपके अदर वीडियो का वॉच टाइम भी बढ़ सकता है जिसके कारण आपकी और वीडियोज़ पर भी व्यूज़ आते हैं। दोस्तों नंबर दो पर अपने बात करने वाले हैं कार्ड्स की और एंड स्क्रीन की। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई वीडियो एंड होती है तो उसके ऊपर आपको दो वीडियो हाईलाइट होने लग जाती हैं जिस पे क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों सिंपली इसको एंड स्क्रीन कहते हैं। दोस्तों आप अपनी वीडियो पर एंड स्क्रीन लगा के भी कुछ व्यूज पा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको अपनी वीडियोस पर एंड स्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों कभी कभार आप वीडियो देखते हो तो उसके ऊपर आपको एक पॉपअप बटन आया हुआ दिखाई देता है। दोस्तों सिंपली इसको कार्ड्स कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी आप अपनी वीडियोस का लिंक देकर उसके व्यूज बढ़ा सकते हो। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है वीडियोस पे व्यूज लेके आने का। इसके साथ ही दोस्तों आप अपनी वीडियोस को YouTube ऐप से अपलोड ना करके क्रोम ब्राउजर से अपलोड करने चाहिए। तो दोस्तों क्रोम ब्राउजर कैसे वीडियोस अपलोड करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। दोस्तों उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा या फिर दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों नंबर तीन पे अपने बात करते हैं कमेंट्स की। दोस्तों कभी भी आपको अपने YouTube चैनल के लिंक को कॉपी करके किसी के YouTube चैनल पर जाकर कमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों इससे आपके वीडियोस की रेपुटेशन गिरती है और आपका चैनल वायरल नहीं हो पाता। तो दोस्तों ऐसा आपको अपने YouTube चैनल के लिए कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप अपने चैनल का हैशटैग लगाकर जरूर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपके वीडियोस पर व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों नंबर चार पे अपने बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन की दोस्तों जिसका नाम है YouTube स्टूडियो यानी कि YouTube स्टूडियो। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको ज़रूर इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सिंपली दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी वीडियोस के व्यूज वॉच टाइम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से ये जान सकते हैं कि कौन सी एज के लोग आपकी वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं या फिर कौन से लोकेशन से आपकी वीडियोस ज़्यादा देखी जा रही हैं और कौन से जेंडर के लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके लिए दोस्तों ये एप्लीकेशन बिल्कुल सिक्योर है, आपको कोई भी डाटा शेयर नहीं होता है और ये YouTube का एक प्रोडक्ट है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपली दोस्तों आप प्ले स्टोर पर जाकर YouTube स्टूडियो सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नंबर पाँच पे अपने बात करने वाले हैं टैग्स की। दोस्तों टैग्स हमारी वीडियोज़ को रैंक करवाने में और वायरल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों वीडियो वायरल का मतलब होता है कि आपके किसी वीडियो पर अचानक से एक अच्छे व्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो रैंक का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी वीडियो को सर्च करो तो वो YouTube में शो होने लग जाए। दोस्तों वीडियो वायरल और रैंक टैग के कारण ही होती है। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी वीडियोस में टैग जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों आप अपनी वीडियोस पे टैग सिंपली YouTube स्टूडियो से भी लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सिंपली अपने YouTube स्टूडियो को ओपन करके अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने टैग लगा सकते हैं। दोस्तों अब अपने बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। तो दोस्तों आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या हम किसी के भी टैग को जान सकते हैं या फिर दोस्तों कोई अच्छा यूट्यूबर है उसने अपने वीडियोस पे कौन से टैग लगा रखे हैं इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है जिसका नाम होता है यूटैग। दोस्तों ये एप्लीकेशन भी बिल्कुल सिक्योर है, इसकी आपका कोई डाटा शेयर नहीं हो। दोस्तों किसी वीडियोस के टैग चेक करने के लिए सबसे पहले उस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद अपने इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कीबोर्ड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको उस वीडियो का URL पेस्ट करना होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक पर क्लिक करना होगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस वीडियो के कीवर्ड्स यानी कि टैग आ चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आगे मैं एक YouTube के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने, तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए आप दोस्तों वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए।
तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।